ना अभिषेक, दिल की आवाज सुन के हमेशा वही करना चाहिए जो जो दिल चाहे। इसके लिए चाहे क्यों ना थोड़ा बहुत अपने अपनों का दिल दुखाना पड़े, पर करना वही चाहिए जिससे दिल को खुशी मिले। नहीं ब्रो, मेरी सोच थोड़ी अलग। मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँ जिससे मुझे या फिर मेरे फैमिली वालों को किसी भी बात की एम्बैरेसमेंट हो। यू नो, आयशा की भी ऐसी सोच थी, पर देख उसके साथ क्या हुआ, उस पे क्या गुजरी। चल मैं तुझे एक कहानी सुना। हाय, आई एम अजय तनेजा। एंड आई एम अभिषेक मलिक। और आप देख रहे हैं क्या महारे इज द प्रेजेंट प्यार तूने क्या किया सीजन 8 को प्रेजेंटेड बाय shoplooz.com एंड पावर्ड बाय पैनासोनिक स्मार्टफोन्स। मेरा लाइफ पार्टनर वो होगा जो मुझे हर मुश्किल हर दुख से दूर ले जाएगा, और चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा जिससे मैं घंटों बिना किसी डर या झिझक के अपने मन की हर बात कह पाऊंगी। हम इतनी बातें करेंगे कि बातें कभी खत्म ही नहीं होंगी। जब भी बाहर तेज बारिश हो रही होगी हम रात भर एक के बाद एक मेरी फेवरेट रोमांटिक फिल्म देखेंगे, और जब मैं थक जाऊंगी तो उसका हाथ अपने हाथों में लेकर सितारों के नीचे खुले आसमान के नीचे सारी रात गुजारूंगी। एक सच्चे दोस्त की तरह वो मुझे ऐसे ही अपनाएगा जैसी मैं हूँ। मेरे हर सपने को अपना सपना मानकर वो मेरा साथ देगा, मेरा प्रोटेक्टर बनेगा। हर दुख और हर फिक्र जितना प्यार मुझे उससे होगा उतना ही उसे भी होगा। हाँ ऐशा, अब यही सच है कि कल तेरी एंगेजमेंट करण से हो रही है। जी माँ। सॉरी बेटा, तेरी एंगेजमेंट रिंग के लिए तुझे ही भेजा। खुद शादी है तेरी और दुल्हन अपनी शादी की भागदौड़ में लगी हुई, और वो भी एक बस में। माँ 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 प्लीज, आप इतना हाइपर होना बंद करो और मुझे भी टेंशन मत दो। ठीक है बेटा, मगर अपना ख्याल रखना और जल्दी जल्दी घर आ जाना प्लीज। यस माँ, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। बाय। चलो बाय। कितने रेकलेस लोग हैं। ये क्या बदतमीजी है भाई? क्योंकि मुझे आपकी बस पकड़नी थी। अब आपकी बस तो मुझे बिना लिए चली गई, तो मुझे बाइक भाग के पकड़ना पड़ा। ये देखो मेरी टिकट। थैंक यू। ये तो वही बाइक वाला है ना, इन जैसे लोगों को ना दूसरों की सेफ्टी की पड़ी है ना अपनी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं सीट पे बैठ सकता हूँ? इज दिस योर सीट? वेल, इस पे तो यही लिखा है। हाय, I'm Kabir. Hello. अच्छा बेटा, सब ठीक है ना? कहाँ पहुँची हो तुम? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वो बस कुछ देर के लिए बीच में फालतू में रुक गई थी, इसीलिए हम ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, वो रिंग वाली बॉक्स ठीक से बैग में रखी है ना तूने? अरे हाँ, रिंग। एक मिनट ना माँ। हाँ माँ, रिंग रखी है मैंने सेफली। आप क्या चाहते हो? कि पूरी बस को पता चले कि मैं अपने साथ क्या सामान कैरी कर रही हूँ? ठीक है, ओके बाय। बाय। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, मेरा एक सवाल है, आपकी जो मम्मा है वो एक घंटे में कितनी बार कॉल करती हैं आपको? देखिए मिस्टर, मेरी मजबूरी है कि मुझे आपके साथ ये सीट शेयर करनी पड़ रही है, और इस सफर के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे,
तो प्लीज आप ये फालतू बहाने करके पहचान बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। आई डोंट लाइक इट। वैसे एक बात कहूँ, आई लव योर ऑनेस्टी। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप, एकदम सीधा बात करती हैं। थैंक यू। ओके। लारे तेरे मुख दे नहीं ओ हंजू मेरे रुक दे नहीं लारे तेरे मुख दे नहीं ओ हंजू मेरे दे नहीं लारे तेरे मुख दे नहीं लुट के तू मेरा सारा कुछ जानिया सॉरी इट्स ओके हाँ माँ आपसे मैंने कितनी बार कहा है आशा सुन तो अभी न्यूज में बताया है कि लैंड स्लाइड की वजह से सारे रोड्स बंद हो गए हैं और कह रही है ये सब क्लियर करने में पूरी रात लग जाएगी व्हाट लैंड स्लाइड पर कैसे हेलो हेलो उसके फोन भी ना हेलो हाँ माँ हेलो यार ये नेटवर्क इज एवरीथिंग ओके एक्सप्रेस में बंद हो गया है और हम यहाँ फंस गए हैं हाँ वो तो मुझे पता है तभी तो हम ट्रैफिक में फंसे हैं कब से तुम्हें पता है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कैसे बताता वो तुम वो सोई भी थी ना तो ये गाना सही नहीं लगा एनीवे मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकती मुझे आज रात तक कैसे भी पुणे पहुँचना है मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे अरे हम पहुँच जाएंगे ऐसे बसों तक कहाँ जाओगी पता नहीं मैं कुछ भी करूंगी आई विल मैनेज इट बट आई कांट वेट हियर अच्छा ओके ओके रिलैक्स तुम ऐसे अकेले मत जाओ मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ एक मिनट तुम मेरे साथ क्यों आओगे तुम मेरे प्रोटेक्टर हो थैंक्स बट आई डोंट नीड हेल्प ओह हेलो इतना रूड होने की जरूरत नहीं है मैडम और अगर आपको कोई गलत फहमी है कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ देन यू हाईली मिस्टेकन मेरी गर्लफ्रेंड है पूना में उसी से मिलने जा रहा था तब भी तुम्हारे साथ चलने की बात कर रहा था क्योंकि अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी हेलो अच्छा सुन जल्दबाजी में कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना बस मैं ही बैठी रहना समझी मैं भी करण के पेरेंट्स से बात करके देखती हूँ अगर ये एंगेजमेंट थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं माँ आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मैं जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करती हूँ ठीक है अरे पर तुम कैसे जल्दी पहुँचोगी माँ आई विल मैनेज इट मैं कह रही हूँ ना अरे हाउ यू विल मैनेज माँ अब मैं कैसे मैनेज करूंगी वो मेरा लुकआउट है ना चुप गिव मी फोन मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है एक्सक्यूज मी आई सेड गिव मी योर फोन नमस्ते आंटी मैं कबीर बोल रहा हूँ आंटी आपको एक बात बताऊँ आप ना चिंता बहुत करती हैं लेकिन अब आप चिंता मुक्त हो जाए क्योंकि आपकी बेटी अकेली नहीं है मैं हूँ ना उसके साथ पर तुम हो कौन अरे आंटी आपको घबराने की जरूरत नहीं है मैं कोई ऐसा ऐसा लड़का नहीं हूँ मैं भी इस बस में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं भी पुणे ही जा रहा हूँ और आंटी सच बताऊँ तो मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में एक माँ पे क्या बीत रही होगी आप चिंता मत करिए और अगर अब आपकी परमिशन हो तो मैं आपकी बेटी के साथ आऊँ उसे सेफली पुणे ड्रॉप कर दूँ कंडक्टर ने मुझे ऑल्टरनेट रूट बताया पुणे जाने के लिए एक्सप्रेस वे तो काफी जाम है बट अंदर ही अंदर से एक रास्ता है थैंक यू बेटा कोई साथ रहेगा तो मैं भी थोड़ा बेचिंत रहूंगी परमिशन के लिए थैंक यू आंटी और एक बात और सेफ्टी के लिए ना आप मेरा नंबर ले लीजिए और अपना नंबर भी दे लीजिए प्लीज ये बात ठीक है बेटा मगर एक बात और प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना क्या है कि वो बहुत स्ट्रेस में है और वैसे भी कल उसकी एंगेजमेंट है और ये इस सारे झमेले में फंसी हुई है ओ अच्छा डोंट वरी आंटी लीजिए बात करिए लीजिए थैंक यू हाँ माँ आयशा इस लड़की के साथ जरा ध्यान से घर आना बात करें में तो काफी शरीफ और डीसेंट लगता है मगर हाँ हर टाइम अलर्ट रहना और फोन करती रहना मुझे
ओके बाय बाय बेटा। सो माँ ने कहा है कि तुम्हें साथ लेकर आना है। थैंक यू सो मच। चलें अब। अब जब हम साथ में ट्रैवल करने वाले हैं, सो आई थिंक यू शुड नो माय नेम, आयशा। नाइस टू मीट यू। एक मिनट, तुम ये मुझे सही रास्ते से लेकर जा रहे हो ना? हाँ, बस से उतरने के बाद लोकल आदमी ने ये रास्ता बताया। चलो आओ। ओह गॉड, आई हेट दिस। मुझे ट्रेन से ही आना चाहिए था, ये बस का आइडिया ही बुरा था। हाँ, पर तुम ट्रेन से नहीं गए और अब तुम यहाँ मेरे साथ हो, तो क्यों ना सफर को एंजॉय करें। इस ट्रिप को एक यादगार ट्रिप बनाए। एंगेजमेंट एंगेजमेंट करिए, आंटी ने बताया। थैंक्स। थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताना होगा। कोई लव स्टोरी नहीं है। वैसे मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में इंट्रूड करने का शौक नहीं है, बट सिर्फ यू गोइंग टुगेदर ऑन दिस जर्नी, हमें कुछ ना कुछ बात तो करनी पड़ेगी। अरे इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर तुम्हें मुझे अपनी लव स्टोरी के बारे में नहीं बताना, कम से कम इतना तो बताना पड़ेगा कि जो तुम्हारे वो हैं वो तुम्हारी तरह खड़ूस है या खुल के जीने वाले, चिल्ड आउट, हैंडसम, इन शॉर्ट मेरी तरह। आई डोंट नो। डोंट नो मतलब? हाउ कैन यू नॉट नो? मेरा मतलब है कि हम अभी एक दूसरे को जान रहे हैं, अरेंज मैरिज है ना, इसलिए। एक मिनट, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम एक ऐसे इंसान के साथ एंगेजमेंट कर रही हो जिसे तुम जानती भी नहीं, और उसे जाने बिना तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि वो तुम्हारी लाइफ के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी दफर लड़की हूँ जो बिना सोचे समझे किसी के साथ भी अपनी लाइफ स्पेंड कर लूंगी? आई मीन आई नो हिम, करण नाम है उसका, अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से है, मेरी माँ से ये रिश्ता लेकर आई थी मेरे लिए, फैमिली बिजनेस है और खुद कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तुम उससे शादी सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि इसका वेल सेटल फैमिली बिजनेस है, ना कि तुम उससे प्यार करो, या फिर तुम दोनों के पास बातें करने के लिए इतना हो कि बातें करते करते घंटों बीत जाए और तुम्हें पता भी ना चले, या फिर पूरी रात बैठ के एक साथ बैक टू बैक रोमांटिक मूवी देखने की। बोलो। ऑफ कोर्स मैं और करण एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, तो ऑब्वियसली हम रोमांटिक फिल्म्स देखेंगे, बाहर जाएंगे, लेकिन तुम्हें उससे क्या? रियली? अच्छा तो अगर तुम उससे प्यार करे तो मुझे ये बताओ कि उसके कुत्ते का नाम क्या है? कुत्ता? अच्छा ठीक है, कुत्ते का नाम नहीं, बट ये बताओ कि उसका फेवरेट खाना क्या है या कलर, ये कम से कम ये तो बताओ कि उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है। कम ऑन कुछ तो बोलो। वो इतना जोर लगाना पड़ा दिमाग पे, तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसका कुत्ता है कि नहीं, ये उसका फेवरेट खाना है, फेवरेट कलर है। मैडम तुम उसे जानती भी नहीं, बात करिए प्यार। लिसन, तुम ना उधर हद से ज्यादा बढ़ रहे हो, मैं करण से प्यार करती हूँ, इसका प्रूफ मैं तुम्हें क्यों दूँ? तुम हो कौन? एक स्ट्रेंजर, एक को पैसेंजर? ओह मैडम यहाँ आप गलत हो गई हैं, क्योंकि अब हम स्ट्रेंजर्स नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपका नाम आयशा है और आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है। वाओ सो स्मार्ट, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें मेरी मॉम ने दी। अच्छा तो ठीक, मैं तुम्हें ऐसा कुछ बताता हूँ जो तुमने मुझे नहीं बताया, जैसे कि जैसे कि तुम्हारी आंख दिखने में हेजल है पर एक्चुअली में लाइट ग्रीन, और तुम्हारे फादर नहीं है, और आज तुम उन्हें बहुत मिस कर रही हो। तुम्हें मेरे डैड के बारे में कैसे पता? मैं सब जानता हूँ बालिके, अब चलो बहुत लंबा सफर है, आराम से। ये कहाँ से लेकर जा रहे हो? तुम यही रुको, मैं लोगों से बात करके आता हूँ। गुड न्यूज, थोड़ा रास्ता कवर करने के लिए जुगाड़। Are you serious? हम इस बाइक पर जाएंगे? I mean, मैं यहाँ फिट कैसे होंगी? या तुम दोनों मुझे छोड़कर जाने वाले हो?
नहीं नहीं तुम चल रही हो, खेलो ना, खेलो, ये पहनो, आओ बैठो। नो वे, बाइक पर ट्रिपल सी, और ये हेलमेट की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम पे ज्यादा सूट करे, बैठो। तेरी कालियां कालियां जुल्फां ते ए लाल परांदा जचदा ए मेरे सूने सूने दिल विच तेरे इश्क दा म्यूजिक वजदा ए तेरी कालियां कालियां जुल्फां ते ए लाल परांदा जचदा ए मेरे सूने सूने दिल विच तेरे इश्क दा म्यूजिक वजदा ए लखा चेहरे इस दुनिया ते मैनू पता है, मैंने आज तक कभी ऐसे ट्रैवल नहीं किया है। ये सब मेरे साथ ही करने को मिलेगा मैडम, शादी के बाद तो आप गाड़ियों में घूमेंगी नहीं। चलती जब है तू बेबी स्लो, करती है माइंड मेरा ब्लो ब्लो। टकर दिखाना उचुक कभी तू भूल न जाना, लगता है अब तू हाथ न आएगी, जाके मानेगी हवा ना बेबी। एक्सक्यूज मी, आई एम श्योर तुमने इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया, राइट? आई मीन ये ढाबा या खाना खाना, ये एनवायरनमेंट। यस, डू आई हैव अ चॉइस? बहुत खा लिया है, चले। फोन क्यों नहीं लग रहा है? माँ को कैसे इन्फॉर्म करूँगी? आयशा, वो ढाबा वाला अंकल ने गाड़ी वाले से बात की है, जहाँ से सवारियाँ पुणे तक लेके जाता है। उन्होंने कहा है वो आता ही होगा, बस उसकी वेट करनी है। तो आओ यहाँ वेट कर लेते हैं बैठ के। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? हाँ ये लो, मेरा फोन यूज कर लो। By the way, अगर तुम अपनी मॉम को फोन कर रही हो तो मैंने उन्हें ऑलरेडी मैसेज कर दिया और हमारी लोकेशन भी भेज दी। Do you still need the phone? Thanks a lot. मेरी मॉम को इन्फॉर्म करने के लिए और मुझे कंपनी देने के लिए। Seriously, इतना सब कुछ मैं अकेले मैनेज कर ही नहीं पाती। वैसे एक बात बोलूं, You two are the only child. राइट अक्सर घर के जो इकलौते बच्चे होते हैं ना, उन्हें हमेशा ये लगता है कि उन्हें किसी की सपोर्ट या कंपनी की जरूरत नहीं। उन्हें ये भी लगता है कि वो इतने स्ट्रांग हैं कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम को झेल सकते हैं, पर ये सच नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे को ढूंढ रहे होते जिसके साथ चल सके, उसके साथ रह सके, और इकलौते बच्चे होने के नाते हम लोग अपने गार्डियंस को ना नहीं कह पाते, क्योंकि वही तो होते हैं जिन्होंने बचपन से हमारी देखभाल की होती, और इसी ऑब्लिगेशन में हम उनकी काफी बातें मान लेते, राइट? राइट। और शायद मेरी अरेंज मैरिज मेरे मना ना करने का नतीजा है। अब क्या बताऊं? टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट श्योर अबाउट करण। मेरा मतलब है कि वो एक अच्छा लड़का है और शायद मुझे खुश भी रखेगा, लेकिन हम साथ में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, आई डोंट नो। तुम्हें पता है मैं एंगेजमेंट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरी मॉम इससे खुश है। डैड की डेथ के बाद मेरी मॉम ने ही मेरी देखभाल की, उन्होंने मेरी हर जरूरतों को पूरा किया, मुझे बेस्ट से बेस्ट चीज लाके दी। इनफैक्ट मुझे उनसे कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और ये सब करने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मेरी मॉम का हमेशा से एक ही सपना था,
कि मेरी किसी अच्छे घर में शादी हो और मुझे ढेर सारा प्यार मिले, एक ऐसा परिवार मिले जो मुझे खुश रखे। और फिर आया करण का रिश्ता। जब करण का रिश्ता आया तो माय मॉम वाज वेरी हैप्पी। बस मैंने हाँ कर दी। वो कहते हैं ना, अरेंज मैरिजेस का फंडा ही ऐसा होता है, पहले शादी फिर प्यार। एंड आई थिंक प्यार तो हो ही जाता है, लेकिन हाँ अगर मुझे मौका मिलता तो मैं पहले करण की फ्रेंड बनना चाहती, उसे अच्छे से जानना चाहती, उसके साथ ढेर सारी बातें करना चाहती, टाइम स्पेंड करना चाहती, उसके साथ हर वो क्रेजी चीज करना चाहती जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा पॉसिबल है। एनीवे मेरी छोड़, हम जब से मिले हैं मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। व्हाट्स योर स्टोरी? मेरे बारे में क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुमने अभी तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड को फोन नहीं किया? वो एक्चुअली मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, तो फोन करके सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता। एक मिनट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुम्हारा वेट कर रही थी, राइट? इसलिए तुम मेरे साथ पुणे आ रहे हो? हाँ वही, मतलब पहले उसे पता था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो जैम हो गया था ना, तो अब उसे लग रहा है कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तो वो समझ रही हो ना। बट स्टिल तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बड़ी एडजस्टिंग है, एक फोन तक। मेरी गर्लफ्रेंड ही छोड़ो, तुमने मुझे तुम्हारी मॉम से बात करते हुए देखा नहीं ना, फिर भी मैंने उन्हें तुम्हारे और मेरे बारे में इन्फॉर्म कर दिया। तुम बड़े ही अजीब, तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, आई एम श्योर तुम कुछ छुपा रहे हो। चल कुछ भी। गलत है यार, सीरियसली गलत है। आई मीन कबीर को आयशा से झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसकी गर्लफ्रेंड है। यार तुझे क्या लगता है, अगर वो सच बोलता तो आयशा उसकी हेल्प लेती? चल मान ले कि शायद आयशा उसकी हेल्प ले लेती, बट फिर वो हेल्प सिर्फ घर पहुंचने के लिए नहीं होती, और भी कुछ लगता। आई थिंक ये हमारी कार है, मैं पूछ के आता। भैया पुणे यही गाड़ी जाएगी? यही जाएगी। आयशा क्यों लग रहा डर नाचन, मैं तो लेने आऊं पाकड़ में, मैं जाट विका देसी छोरा तन। क्यों लग रहा डर नाचन, मैं तो लेने आऊं पाकड़ में, पाकड़ में। गई होगी, एक काम करो सो जाओ, ये गाड़ी सीधा पुणे जाए, तुम आराम से सो जाओ। हाँ तू ऐसी टेंशन ले रहा है यार, वो गाड़ी पुणे जा रही है, ऐसा अपने घर पहुंच जाएगी, और फिर वो कोई बच्ची थोड़ी ना है, उसे कहा था वो मैनेज कर लेगी, तूने उसे ड्यूटी होना ली है ना? नहीं नहीं, व्हाट डिड यू डू समी यार। आयशा अरे अरे क्या कर रहे हो? ठीक है, वो कभी कभार एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा कर जाता हूँ, पर तुम उस गाड़ी में गई क्यों नहीं? क्योंकि जब मेरी आँख खुली तो तुम मेरे बाजू में नहीं थे, तो मैं भी उतर गई। पर वो गाड़ी भी तो पुणे ही जा रही थी, और मैं भी तुम्हारे साथ पुणे तक ही चलने वाला था, कौन सा उसके बाद हमेशा साथ रहने वाले थे। हाँ
लेकिन तुमने मुझे घर पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना, और फिर तुमने माँ से भी बात की थी, तो इसलिए। लेकिन अब तो गाड़ी भी चली गई, अब हम क्या करेंगे? डोंट वरी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अंकल वो एक्चुअली देखिए, इस समय तो आपको कोई ट्रांसपोर्ट मिलेगा नहीं। हाँ, पास में ही एक होटल है, आप रात भर वहाँ ठहर सकते हैं, सुबह ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, चले जाइएगा। थैंक यू। जाइए। तुम यहाँ सो जाना, मैं यहाँ सो जाऊँ। ओके। एंड I'm really sorry, मेरी वजह से वो गाड़ी छोड़नी पड़ गई और हम यहाँ पे। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब नेचर्स कॉल तो नेचर्स कॉल है, एंड जो हुआ सो हुआ, लेट्स मेक मोस्ट ऑफ इट। ओह एक मिनट, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट का क्या मतलब? ओ एक्सक्यूज मी, मेरा कोई ऐसा वैसा मतलब नहीं था। ओके, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई गलत इरादा है। ओके बाबा, I'm just kidding. तो मैं करूँगा बेड पे सो जा, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। देख क्यूट जा टवनी सबका जाल जलाऊ, देख क्यूट जा टवनी सबका जाल जलाऊ, जाल जलाऊ। ऐसी लाणी सैलाणी से जाटव साहब ने बहु, इसी लाणी सैलाणी से जाटव साहब ने बहु। कोशिश कर रहा हूं। अच्छा लिसन, अगर तुम वहां कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम यहां मेरे बाजू में सो सकते हो। एंड हां, इसका कोई गलत मतलब नहीं है, समझे? ओके। चल रहा ट्रेंड देख आज फिर सभी जमाने में दिल्ली होगी हरियाणे में बात रवे सब। अजीब है, कभी आज तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान? हाँ एहसान, लेकिन तुम नहीं समझो। एहसान शायद इसका मतलब मुझसे अच्छा कोई और समझ पाएगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के एहसान लेकर बिताई। बहुत छोटा था मैं जब मेरे पेरेंट्स गुजर गए, फिर मेरे रिश्तेदारों ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मुझे पढ़ाया, अच्छी एजुकेशन दी, काबिल बनाया। वो एक एहसान वाला बोझ हमेशा मेरे सर पे था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस बोझ से बाहर निकलना है, मुझे अपनी लाइफ में अपने बलबूते पे कुछ बनना है। क्योंकि मैं समझ गया था कि एहसान में दबके ना जिया नहीं जाता। अच्छा मैं नहीं जानता कि इसके बाद हम कभी मिलेंगे या नहीं, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता। इसके बाद अगर तुमने मुझे कभी याद किया तो प्लीज कभी एहसान वाला समझ के याद मत करना। अगर तुमने मुझे याद करना ही है तो एक ऐसा इंसान समझ के याद करना जिसे जिसने मेरी मदद की, जिसने मेरा इतना ख्याल रखा, जिसने मुझे वो खुशी वो आजादी दी जो शायद मैं कभी महसूस नहीं कर पाई। तेरा यार बुलावे से
गलत है। कल मेरी एंगेजमेंट है और मैं यहाँ तुम्हारे साथ ऐसे। आयशा काम डाउन, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम सिर्फ दिल की बात सुन रही थी। दिल की बात सुनना गलत तो नहीं होता ना? ये तुम्हारे लिए सही होगा लेकिन मेरे लिए नहीं है, समझे? और यू नो व्हाट, तुम किसी की परवाह किए बिना ऐसे रह सकते हो लेकिन मैं नहीं, अंडरस्टैंड? आयशा बस एक बार अपनी दिल की बात सुन, और जब लगा दिल ने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम नहीं कर सकते, दरवाजे बंद कर दिए। तुम्हें आइडिया भी है? तुम दिल को कुछ कहने कुछ चाहने का मौका भी नहीं दे रही हो। तुम अपने बंधन से भूखी तो चाहती हो लेकिन अपने पंख को बांध के उड़ान रोक रही हो। तुम अपने आप को एक ऐसे इंसान के साथ बांध रही हो जिसे तुम जानती भी नहीं हो। जब उसे अपनी दिल की बात करोगी ना तो घबराओगी, क्योंकि उससे बात करने के लिए कुछ बातें नहीं मिलेंगी तुम्हें। यू नो व्हाट, तुम्हें पता तुम कौन? मैं बताता हूँ, तुम एक ऐसी डरपोक लड़की हो जो अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश किए बगैर एक आसान रास्ता चुन रही है। You can't even stand for what you want. You're a cunt. Yes. You're right. और आप यहाँ रुकने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल मेरी एंगेजमेंट है। मैं यहाँ पर एक मिनट नहीं रुक सकती। बस हो गया। आशा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। आशा लिसन। आशा मेरी बात सुनो। I just want to go. आशा सुनो मेरी बात। I said let me go. आयशा, 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 लिसन टू मी, आयशा स्टॉप। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे वो सब नहीं कहना। I'm sorry. मुझे तुम्हारा सही नहीं चाहिए। मुझे बस घर जाना है, वो भी अभी इसी वक्त। I want this bloody journey to end. आयशा, आंटी, अंकल, क्या मैं आपको कोई हेल्प कर सकता हूँ? बेटा हम पूना जा रहे थे और ये कार बीच में बंद पड़ गई। आप लोग कहाँ जा रहे थे? अंकल हम भी पूना ही जा रहे थे, एक्सप्रेस वे जाम था तो हमने ये रास्ता लिया, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें कोई ट्रांसपोर्ट मिल नहीं रहा है। अरे अगर हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो आप लोग भी हमारे साथ चलो पूना। श्योर, थैंक यू। क्या मैं एक बार चेक कर लूँ? प्लीज कम। अरे क्या हुआ? अंकल आगे यहाँ पे कार ठीक हो गई है, अब हम पूरा जा सकते हैं। चल चल। अंकल अगर आप थक गए हैं तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। एक बार अपने दिल की बात सुनी और जब लगा दिल ने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम नहीं कर सकते, दरवाजे बंद कर दिए। तुम एक ऐसी डरपोक लड़की हो जो अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश किए बगैर एक आसान रास्ता चुन रही है। कबीर ने जो भी मेरे बारे में कहा उसमें गलत क्या था? क्या कबीर ठीक वैसा ही लड़का नहीं जिसे मैंने हमेशा अपने सपने में देखा था? हाँ, ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहती थी मैं। ये मैं क्या सोच रही हूँ, उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और अगले कुछ घंटों में मेरी भी एंगेजमेंट होने वाली है। काश आयशा के साथ ये सफर कभी खत्म ही ना हो और हम ऐसे ही साथ चलते रहें। काश मैं आयशा के सारे सपनों को पूरा कर पाता। आयशा, मैं तुम्हें फिर से एक बार सॉरी कह रहा हूं, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। प्लीज फॉरगिव मी। वैसे भी जो कुछ हुआ है अभी तक वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुत जल्द सुबह हो जाएगी, कुछ ही घंटों में तुम किसी और की, इसलिए प्लीज कैन यू फॉरगेट ऑल दिस। मेरा जो बन ले अंगड़ाई मन चढ़ रहा इसको कसाई, मेरा जो बन ले अंगड़ाई आज मेरा पकड़ ना तू हाथ, मन तू नाचन गए सारी रात, मन तू नाचन।
थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, बट बाय। हमारा भी भाई है क्या? शायद हाँ। आ गई तू बेटा, तो ठीक है ना बेटा? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। ये कबीर है ना? कबीर एक मिनट बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। थैंक यू तुमने आयशा को घर पे छोड़ा। आ जाओ थोड़ी देर अंदर चलते हैं। नहीं आंटी अंदर नहीं, थैंक्स मैं चलता हूँ। तुमने आयशा का इतना ख्याल रखा है, थोड़ी देर तो अंदर आ जाओ, चलो प्लीज। माँ रहने दो ना, क्यों फोर्स कर रही हो? उसे कहीं जाना है, उसकी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है उसका। क्या ये सही है? वो हाँ वो वेट कर रही होगी। आई मस्ट लीव आंटी। कोई बात नहीं, वेट करने दो उसे। चलो आ जाओ थोड़ी देर अंदर, आ जाओ चल। क्या अंदर चल। अरे बेटा क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? परेशान है? नहीं तो, बस वो जर्नी बहुत लंबी थी ना माँ, तो इसके लिए थोड़ा थक गई और मेरी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हुई है। अच्छा एक बात बता, वो कभी ठीक ठाक था ना तेरे साथ पूरे रास्ते में कुछ? हाँ नहीं माँ, उसने कुछ गलत नहीं किया मेरे साथ, ठीक था। In fact, he was a true gentleman. उसने मेरा बहुत ख्याल रखा माँ, और हमारी जर्नी इतनी मजेदार रही कि I can't explain it to you. हाँ माँ, हमने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी बातें की कि हमारा मुंह थक गया, लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं हुई। And मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो एक stranger है। In fact, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बेस्ट फ्रेंड को मिली हूँ बहुत टाइम बाद, और हम बस बातें करते जा रहे। पता है माँ, मैं चाहती ही नहीं थी कि हमारी जर्नी खत्म हो। But then I'm back here to reality. मैं बस एक मिनट में आई ना बेटा, रिंग का बताती तो जा, वो बैग में ही होगी माँ। अरे बैठो बेटा, लोनली फॉर्म है क्या? बताओ तो तुम दोनों का सफर कैसे रहा? मेरी आयशा ने ज्यादा तंग तो नहीं किया तुम्हें? अरे नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम आयशा के साथ बस से क्यों उतरे और आयशा के साथ ऐसे क्यों चल रही है? वो मैंने आंटी आपको बताया था ना, मेरी गर्लफ्रेंड है पूना में, तो उससे मिलने आना था मुझे जल्दी से, तो आयशा बस से उतरी, मैंने सोचा मुझे भी थोड़ी कंपनी मिल जाएगी। कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? नहीं ना, आई मीन है ना यही आपके You're right, आंटी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं पुणे आ रहा था जॉब इंटरव्यू के लिए, और फिर मैं आयशा से उसके साथ रहने का दिल चाहने लगा, बिकॉज आई रियली लाइक हर। फिर पता नहीं क्यों उसकी फिक्र से होने लगी, उसको अकेले जाने देने का मेरा मन नहीं किया। अंदर आ जाओ,
सही बात। लो, ये आपको कहां से मिला? प्लीज 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 मा गिव इट टू मी। कोई बात नहीं, एक मिनट, मुझे भी तो पढ़ने दो तुम्हारी मन की बात। माय थॉट्स, मेरा लाइफ पार्टनर वो होगा जो मुझे हर मुश्किल हर दुख से दूर ले जाएगा, और चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा जिससे मैं घंटों बिना किसी डर या झिझक के अपने मन की हर बात कह पाऊंगी, और जब मैं थक जाऊंगी तो उसका हाथ अपने हाथों में लेकर सारी रात गुजार लूंगी। एक सच्चे दोस्त की तरह वो मुझे ऐसे ही अपनाएगा जैसी मैं हूँ। मेरे हर सपने को अपना सपना मानकर वो मेरा साथ देगा। मेरी गलती थी बेटा कि मैंने कभी तुझसे पूछा नहीं तेरी पसंद के बारे में, और तूने भी बेटा अपनी माँ को बताया नहीं कि तुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। अरे पगली, तेरी खुशी में तो मेरी खुशी है ना। मैं अपना फैसला अपनी पसंद कभी तुझ पे थोपूंगी नहीं बेटा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू अपनी जिंदगी जी, जो तेरी ख्वाहिश है तेरे ख्वाब है सब उनको पूरा कर। कभी बेटा ये रही माँ। हाजी हेलो, ट्राई करो। बेटा कबीर का तुम्हारे साथ बस में आके बैठना एक इत्तेफाक हो सकता है, पर तुम्हारे फियांसे की एंगेजमेंट से कबीर को फिट आ जाए ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम दोनों शायद ये नहीं अब तक जान चुके कि क्या कनेक्शन है तुम दोनों के बीच में। तुम लोगों को टाइम चाहिए ये बात समझने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं माँ। अरे बेटा, अगर तूने आज करण से एंगेजमेंट कर ली तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरे और कबीर के बीच में क्या कनेक्शन है। लेकिन माँ, कबीर की जिंदगी में ऑलरेडी कोई लड़की है। अरे इस पगले की लाइफ में तो कोई लड़की है ही नहीं, इसने तो ऐसे ही मजाक किया था तुझे कंफर्टेबल बनाने के लिए। आयशा, ना कोई है ना कोई रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता। मेरी पूरी परमिशन है कि करण के साथ एंगेजमेंट ना करके तुम अपने दिल की सुनो। थैंक यू सो मच मां। गॉड ब्लेस यू एंड यू टू। थैंक यू, बाय। ठीक है, मैं भी कभी कभी खुशी में कुछ ऐसा ही कर जाती हूँ। तो फाइनली आयशा ने अपने दिल की बात सुनना सीख ही लिया है ना। हाँ, और देख ना, आयशा ने एंगेजमेंट के लिए हाथ सिर्फ इसलिए गई कि वो अपनी मॉम को ना नहीं कह सकती, और उसकी मॉम ने एंड में सब कुछ ठीक कर। I mean, that's amazing, यार। But you know, मन की बात सुनना इतना भी आसान नहीं है। मन की बात सुनने के लिए ना बहुत करेज और सपोर्ट की जरूरत है, और दिल की बात बोलने के लिए आपको या तो आपको मन की बात सुनने के लिए खुद ही इतनी हिम्मत जुटानी पड़ती है, क्योंकि जो मन की बात होती है ना उससे उसी से खुशी मिलती है, और मन की बात कभी गलत नहीं। यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपनाह। छोटी बेबे भाभी री घड़ी क्यूट लगे से, तेरी छोटी बेबे भाभी री घड़ी क्यूट लगे से।